हाय एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का इंडियन वेव फैंस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं अनबॉक्स और रिव्यू करने वाला हूँ ब्रेव वैल्क्यूरी का। इस बेबलेट को हम लोगों ने देखा था बेबलेट बर्स्ट सर्ज में। दोस्तों, इस बेबलेट को मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया हुआ है। हालांकि आप लोगों को ये बेबलेट फ्लिपकार्ट में भी मिल जाएगा, लेकिन फ्लिपकार्ट में प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसको अमेजोन से ही मंगवाया है। ये एक ओरिजिनल बे तो नहीं है, ये सुपर किंग का एक फेक बे है। ये टाटा एटॉमिक, ये सुपर किंग जो बे ब्लेड होता है ये है, ये दूसरे एक कंपनी का है। यहाँ पर तो इंग्लिश पे तो नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये टाटा एटॉमिक का नहीं है। चलिए पहले इसे अनबॉक्स करते हैं, फिर रिव्यू करेंगे। यही सब पार्ट इसके साथ आया हुआ है, चलिए पहले सजा लेते हैं। दोस्तों, यही सब पार्ट्स इस पैक के अंदर थे, चलिए एक एक करके रिव्यू करते हैं। ये तो है एक लॉन्चर, ये काफ़ी एक बड़ा लॉन्चर है। यहाँ पर आप किसी भी बे को राइट या फिर लेफ्ट घुमा सकते हैं। ये है रिपकॉर्ड डालने का एंट्रेंस पॉइंट। ये रिपकॉर्ड भी काफ़ी मोटा है और मजबूत है, शायद आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी पावरफुल है। यहाँ पर ये राइट रोटेट करवाने के लिए होता है और ये लेफ्ट रोटेट करवाने के लिए। ये तो काफ़ी एक अच्छा लॉन्चर है। चलिए मैं इसे अब साइड पर रख देता हूँ। ब्रेव वैल्क्यूरी तो एक अटैक टाइप बेब्लेड है। इस अगर ये है तो ये तो है सुपर किंग चिप, ये वैल्क्यूरी का चिप है। बेब्लेड बर्स सर्ज में ज़्यादातर बेब्लेड में आप लोग देखेंगे ये प्लस साइन होता है, देख सकते हैं आप लोग, प्लस साइन जैसा होता है। इसे आप निकाल भी सकते हैं, इस तरह से ये निकाला जा सकता है। खैर, मैं इसे लगा ही देता हूँ। ये ब्लू है और रेड कलर का है, काफ़ी सुंदर है, दिखने में काफ़ी अच्छा है। ये तो है ब्रेव रिंग, ये इसका मेन रिंग पार्ट है। एक्चुअली में अगर आप लोग टाटा एटॉमिका खरीदेंगे तो ये जो येलो पार्ट देख रहे हैं ये एक्चुअली में रबर का होता है, लेकिन यहाँ पर ये प्लास्टिक का ही है। लेकिन साइज़ के मामले में तो ये एकदम टाटा एटॉमिक जैसा ही है, दिखने में भी वैसा ही है, काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया है। ये तो है चेसी 2A, ये रेड कलर का है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 4 पार्ट होता है और ये फ्री रोटेट कर सकता है, जो कि लॉक सिस्टम होता है ना बर्स्ट में, वो इस तरह से ये फ्री रोटेट होता है। टाटा एटॉमिक में ये जो लाल कलर का आप लोग देख रहे हैं ये रबर का होता है, लेकिन यहाँ पर ये प्लास्टिक का है, लेकिन ज़्यादा हार्ड प्लास्टिक नहीं है, ये सॉफ्ट प्लास्टिक ही है। दिखने में खूबसूरत है। ये तो है इसका एवोल्यूशन परफॉर्मेंस टिप, ये रबर का है। टाटा एटॉमिक में भी ये रबर का होता है, यहाँ पर भी ये रबर का ही है, प्लास्टिक का नहीं है, काफ़ी सुंदर है। लेकिन ये जो बेस वाला पार्ट है ये प्लास्टिक का है, लेकिन ये जो पार्ट देख रहे हैं आप लोग, ये जो स्पाइक होता है
स्पाइक भी ठीक ठाक ही है, ये रबर जैसा ही है, ये अटैक में बहुत हेल्प करता है ये परफॉर्मेंस स्टिक। और ये तो है स्टिकर यहाँ पर लगाने के लिए। दोस्तों अब मैं हर एक पार्ट को जोड़ूंगा और एक टेस्ट पिन करूंगा। चलिए आज मैं दिखाई भी देता हूँ इसको कैसे जॉइंट करते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आर लिखा हुआ है, यानी ये राइट रोटेट होता है। ऐसे चिप को अब आपको पकड़ना पड़ेगा और आप लोग यहाँ पर एक लॉक सिस्टम है, इसे आप लोगों को ऐसे लगाना पड़ेगा और उसके बाद ये घुमा देना पड़ेगा, तो फिर ये लॉक हो जाता है। अब इसको इसके साथ ऐसे सेट करना पड़ेगा जैसे कि ये ब्लू वाला पार्ट और ये रेड वाला पार्ट एकदम पैरेलल रहे। आप लोग ऐसे मत सेट कीजिएगा, इससे ठीक ठाक नहीं होगा, इसे इस तरह से सेट करना पड़ेगा, तभी आप लोगों को परफेक्ट इम्पैक्ट मिलेगा। आप इसे इस तरह से लॉक कर लीजिएगा, उसके बाद जैसे इसको जॉइंट करते हैं वैसे ही करेंगे। आप लोगों को शायद क्लिक वाला साउंड मिला है, ये तो रेडी है। अब चलिए टेस्ट पिन करते हैं। चलिए आप देखते हैं एक टेस्ट पिन करके के कैसा काम करता है। इसके साथ जो लॉन्चर आया हुआ है मैं उसी का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं कितना एग्रेसिव है। ये अटैक टाइप है इसलिए इसका स्पिन टाइम तो ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत एक पे है। दोस्तों आप लोगों को ये बे कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये बे। ये सिर्फ इसमें रबर नहीं है, यही सिर्फ इसका डिफरेंस है टकाटोमी से, बाकी तो एकदम सेम ही है। बहुत ही खूबसूरत है, साइज़ भी ठीक ठाक है। आप लोग चाहे तो इस बे को खरीद सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। इस तरह का अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो देखने के लिए और बैटल वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में। बाय।